नमस्कार, इनकलाब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। आधी रात फरीदाबाद दहल उठा उस चीख से जो एक परिवार की थी, वो परिवार जिसके बेकसूर लोग मारे गए गुंडों बदमाशों के हाथों, और कानून तमाशा देखता रहा, वर्दी वाले बेखबर रहे। और जब गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा तो नेता से लेकर मंत्री तक, सिपाही से लेकर कमिश्नर तक सब दौड़ गए, लेकिन 5 लोगों की जान तो जा चुकी थी और 8 अब भी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हैं। ये घटना ना सिर्फ चूक दर्शा रही है बल्कि बताती है कि हरियाणा में, और वो भी फरीदाबाद जैसे शहर में, कानून कितना कमजोर साबित हो रहा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का पलवली गांव अब भी गोलियों की गूंज से थरथरा रहा है। खून से लथपथ सड़कें और गलियां बीती रात की हैवानियत की गवाही दे रही हैं। खूनी खेल के इकलौते चश्मदीद कमरे में सन्नाटा चीख रहा है। आधी रात गोलियों से छलनी हुए उस परिवार की हर तरफ एक ही चीख पुकार सुनाई पड़ रही है, इंसाफ। कानून व्यवस्था का ऐसा कत्ल हरियाणा ने शायद पहली बार ही देखा है। ग्रेटर फरीदाबाद के पलवली गांव में जिस निर्ममता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने खाकी वालों और रहनुमाओं की आधी रात की नींद उड़ाकर रख दी है। ग्रेटर फरीदाबाद के पलवली गांव में 25 से 30 लोगों के गैंग ने आधी रात एक परिवार पर हमला कर दिया। समूह में आए उन बदमाशों ने लाठी, डंडों, तेज धार हथियार और गोलियों से परिवार को मौत की नींद सुला दिया। इस हत्याकांड में 5 लोग मारे गए, जिनमें 3 एक ही परिवार के हैं, जबकि 2 बेकसूर बीच बचाव में मारे गए। इस हत्याकांड के बाद हर तरफ सनसनी फैल गई है। पुलिस विभाग की नींद टूटी तो जनाब एक एक कर सब एक्शन में आ गए। आधी रात को अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया। गांव में सन्नाटे के बीच पुलिस कर्मियों के भागते दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन डरा सहमा परिवार अब भी कुछ भी कहने की हालत में नहीं है। वहाँ पे गाँव में हिंसा हुई, गोली चलाई है उन्होंने सामने इनके घर पे जाके, और इनके 7-8 बंदे घायल हुए, सबको निकाल निकाल के घर से, जैसे उनकी मर्जी मन में आया ना वैसे उन्होंने निकाल निकाल के सबको घर से, किसी के चीज़ के जैसे मन में आया वैसे उन्होंने अपनी गोली चलाई है, मन किया डंडे लाठी जो भी, लेडीज बच्चे सब इनके साथ थे, और उनके घर में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, एकदम अचानक जाके उन पर हमला हुआ। ऐसा क्या कर रहे थे उस समय, क्या हुआ मुझे एक्चुअली नहीं पता। ये मानने वाला पलोली गाँव का बिल्लू सरपंच है और उसका परिवार है। आरोप है कि चुनावी रंजिश में सरपंच की पति बिल्लू और उसके गुंडों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया था। 25 से 30 लोगों के गैंग ने लोगों को घरों से निकाल निकाल कर गोलियों से भून डाला। गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की शह से सरपंच पति बिल्लू के हौसले इतने बढ़ गए थे कि उसके एक इशारे पर एक परिवार का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 इस गोलीबारी का शिकार होकर बुरी तरह जख्मी है, अस्पताल में जूझ रहे हैं। अभी तक जो तफ्तीश में आ रहा है वो ये कि छोटी दिन में कोई छोटी सी बात पर कोई कहा सुनी हुई थी, वही बात डेवलप होकर रात को एग्रेशन में हो गया। ये हमला करने वाले कौन लोग हैं? ये सरपंच हैं बिल्लू, वो और उनके परिवार और उनके साथी लोग हैं। 27 आदमी नामजद हैं FIR में। 27 तो बाकी अभी क्राइम टीम लगी हुई है, थोड़ा सा अब पूरा विस्तार से डिटेल लेकर दे पाऊंगा। अभी अरेस्ट नहीं हुआ, राउंड अप बहुत लोग हुए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है, 5 एक ही परिवार के हैं? 5 में 3 एक परिवार के हैं, 2 इनोसेंट थे, वो वैसे ही जैसा अभी तक आई है सूचना कि आए थे बीच बचाव में, वो उनको गोली मार। केंद्रीय मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री के गढ़ में आधी रात गोलियां चली तो खबर लग ही गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक सीमा त्रिखा अस्पताल की ओर दौड़े, पीड़ितों से मिले और मामले की निंदा करने लगे। देखिए, हादसा बहुत बड़ा है, बहुत पीड़ादायक है। अचानक एक झगड़े में इतने लोगों की जान चला जाना बहुत दुखदायी है, परिवार के लिए भी, हम सब के लिए भी। मैं तो अभी गुड़गावा के चुनाव में कैंपेन में था, जैसे ही मालूम चला कि पलवली गांव में इस तरह की घटना घटी है, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आया हूँ और 5 कैजुअलिटी हुई है, घायल भी हैं। जहाँ तक रही कानून की बात, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पूरी तरह से किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
नेताओं के गढ़ में हत्याकांड को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। परिवार पुलिस की कार्रवाई से खफा नजर आया तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल गांव पलवली पहुंचे और पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। के अंदर बहुत ही दुखद घटना हुई है, आपसी छोटी मोटी बातों पर पांच पांच लोगों का मर्डर हो गया, चार पांच लोग सीरियस हैं और अब इसमें कार्रवाई चल रही है। अब उनके परिजनों को मनाया पोस्टमार्टम के लिए कि चलो जो हुआ है वो तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन आगे की कार्रवाई चले तो पोस्टमार्टम शुरू करवाया। पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है, जो लोग हैं उनको अरेस्ट करने के लिए 42 लोगों का नाम दिया, 22 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, बाकी की और कार्रवाई। बताया जा रहा है कि किशनपाल गुर्जर ने गांव गोद लिया हुआ था और उसको सपोर्ट कर रहा था सरपंच को, उसका भी विषय है। देखिए किसी भी कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी आम व्यक्ति भी कोई ऐसा कोई चाहेगा कोई किससे मर्डर कर दे कर दे, गाँव का सरपंच के नाते डेवलपमेंट करनी है तो गाँव के सरपंच को लूप में लेना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी कई गाँव गोद ले रखे हैं तो वहाँ के सरपंच को लूप में ले, लेकिन ऐसी कोई इंटेंशन ना किशनपाल जी की ना किसी और कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। वो तो रास्ते गिन्नी के पीछे घूम रहे हैं, कार्रवाई कराने के लिए घूम रहे हैं कि लोग कार्रवाई करें उनके। इस हत्याकांड में अब तक 27 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जबकि आरोपी सरपंच पति बिल्लू अस्पताल में घायल पड़ा है। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन परिवार पुलिस की कार्रवाई से अब भी असंतुष्ट है। हालांकि मामले में कमिश्नर हनीफ कुरैशी SIT के गठन का ऐलान कर चुके हैं। देखिए ये बड़ा अमानवीय कृत्य किया है, जिसके अंदर 5 आदमियों का मरना एक मेरे भी एक्सपीरियंस में कभी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सब तुरंत अरेस्ट होंगे और हमने अपनी सारी पुलिस टीम इसके लिए लगाई है और हमारा पूरा इसी बात पर है कि जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो और इनको पूरी सुरक्षा परिवार को प्रदान की जाए। रात के खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे परिवार को जरा भी इल्म नहीं था कि अगले ही पल मौत का तांडव खुली आंखों से देखना पड़ेगा, लेकिन गांव वालों के मुताबिक इलाके के नेताओं को इल्म था कि पुरानी रंजिश कभी भी खूनी खेल में तब्दील हो सकती है। अस्पताल में पड़े घायलों में 8 में से 5 आरोपी बताए जा रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद हत्याकांड ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों को कुचल कर रख दिया है। सवाल बड़े गंभीर और अहम है, फरीदाबाद हत्याकांड के कितने गुनहगार है, क्या पुलिस पर लग रहे आरोप सही है, केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों गांव के लोग मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, क्या सरपंच पति को मंत्री की शह मिल रही थी, क्या आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाएगी, क्या हरियाणा में कानून बस नाम का रह गया है और क्या चुनावी रंजिश की खबर पुलिस को पहले से थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 5 लोगों की जान चली जाती है, कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता है, लेकिन अब पुलिस एक्शन की बात कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है। सबको इस बात का अंदेशा पहले था कि यहाँ पर बड़ा बवाल जरूर हो सकता है और इस पूरे मामले को लेकर आखिर पॉलिटिकल रंग अब देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से नाम केंद्रीय राज्य मंत्री का भी सामने आ रहा है, वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी शैमिली हुई थी और उसी वजह से ये तमाम चीजें हुई, क्या वाकई इन बातों में दम है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदेश में हालात क्या हैं, प्रदेश में दबंगों की दबंगई अक्सर देखी जाती है और इस तरीके से जहां पर 5 लोगों को मार दिया गया, 8 लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हैं और किसी को ये मालूम नहीं कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या वजह इसकी है। हालांकि पहले ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ मामला था, कुछ रंजिश थी और उसी आपसी रंजिश की वजह से इन तमाम चीजों को अंजाम दिया गया। कल भी मामूली सी बात को लेकर कहा सुनी भी हुई थी, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि रात को ये सब कुछ हो जाएगा, तमाम हथियार लेकर पहुंच जाएंगे और एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। इनकलाब में चर्चा इसी पर करने के लिए खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ महाराज सिंह जी रिटायर्ड SP हैं, हमारे साथ मुकेश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ राजेश शर्मा समाज सेवी, विनोद कटारिया वकील, आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि क्या हम इतने ज्यादा इनटॉलरेंट हो गए कि हमें किसी भी चीज को लेकर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मामूली सी बात होती है और हम किसी की जान लेना तक इन बातों में बुरा नहीं मानते, हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई मरता है तो मर जाए।
बिल्कुल, आज हम अपने समाज के जो हरियाणा का समाज था, जो हरियाणा की पहचान थी एक भाईचारा, उस समाज के पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। छोटी छोटी बात पे चुनावों में छोटे मोटे झगड़ों को लेकर इतना बड़ा हत्याकांड हमने तो अपने जीवन में ना कभी देखा है ना सुना है। ये बिल्कुल एक तरीके से लगा लीजिए कि मतलब समाज का भाईचारा समाप्त हो चुका है। दूसरा इसमें यह है कि जहां तक सरकार है, कानून व्यवस्था है, हरियाणा की बिल्कुल चौपट हो चुकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में या पुराने जमाने में 80-90 के दशक में बिहार और यूपी में जो निजी सेनाएं बनाई जाती थी उनके द्वारा तो ऐसे हत्याकांड अंजाम दिए जाते थे, लेकिन हरियाणा के इतिहास में शायद पहला है कि इस बड़े स्तर पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल नकारा और निकम्मा साबित हुआ है। इसमें जो राजनीतिक जो पेच की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं जब शुरू में झगड़ा होता है तो राजनेता अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, मुकदमे दर्ज नहीं होने दिए जाते हैं, जो दोषी है उनको थाने तक नहीं बुलाया जाता, पीड़ित को दबाया धमकाया जाता है और उसकी परिणति ऐसे जो जघन्य हत्याकांड के रूप में हो रही है हरियाणा में। आप देखेंगे आज हरियाणा में ना तो स्कूल में बच्चा सुरक्षित है, ना घर में महिला सुरक्षित है, ना सड़क पे व्यक्ति सुरक्षित है, मतलब चारों तरफ कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, सरकार का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। जंगल राज का अगर जो हम संज्ञा देना चाहें तो हरियाणा में बिल्कुल जंगल राज कायम हो चुका है आज देखेंगे। दूसरा रही बात पुलिस प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की मजबूरी आज हमारे देश की ये देख लीजिए, विड़म्बना देख लीजिए कि 653 आदमियों पे एक पुलिसकर्मी है, 653 आदमियों की सुरक्षा के लिए, और एक वीआईपी की सुरक्षा के लिए 3 पुलिसकर्मी है। जो 653 आदमियों के ऊपर एक पुलिसकर्मी है उसको भी कभी चुनावी ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी वीआईपी ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी कहीं लगा दी जाती है, और जनता राम भरोसे है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नकारा साबित हो चुका है और सरकार आंख बंद करके सोई हुई है, या यूं कह लीजिए कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, सरकार का इकबाल बिल्कुल समाप्त हो चुका है। चलिए, हमारे साथ संवाददाता राजेंद्र धैया भी है। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मृतक थे उनका यहाँ पर दाह संस्कार किया जा रहा है। इस समय हम संस्थान घाट में ही खड़े हैं और करीबन 6000 के करीबन आदमी यहाँ पर जो पूरे जिले से और बाहर से इकट्ठा हुआ है उनके दाह संस्कार में, और बड़ा ही गमगीन माहौल, इस समय तनावपूर्ण भी माहौल है और पुलिस छावनी पूरी तरह से गांव बन गया है। इतने सुरक्षा के एहतियात के तौर पर यहां पर पूरी सुरक्षा लगाई गई है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी समाचार सामने नहीं आया है, लोग सभी अपना उसमें दाह संस्कार में भाग लेने के लिए गए हैं और पहुंच गए हैं वहां शमशान घाट पर और जो दाह संस्कार की क्रिया है उसको शुरू किया जा चुका है। राजेंद्र, पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में अब तक कितनी कामयाब रही है, क्या कुछ इनपुट्स उनके पास और इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं पुलिस का जहां तक रोल है, पुलिस ने जो 42 लोगों के खिलाफ करीबन यहां पर मामला दर्ज कर लिया है और उनमें से ज्यादातर लोगों को राउंड अप भी कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर बने हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि करीबन 10 टीमें बनाई गई हैं और एसआईटी का गठन भी यहां पर किया गया है और जल्द ही आरोपी जो अब बाहर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, नजर बनाए रखिए राजेंद्र, आप महाराज सिंह जी कि क्या है, क्या चल रहा है प्रदेश में? पहले तो ये जो बहुत ही निंदनीय है और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ संवेदना, मैं राजेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपने एक सवाल उठाया कि पुलिस की कार्रवाई के बारे में, पुलिस का मोटा काम जो क्रिमिनल केसेस में है वो है पहले तो प्रिवेंट करना, मतलब बचाव करना, दूसरे उसे खोजना और तीसरे उसकी इन्वेस्टिगेशन विवेचना करना। अब इस केस में अगर हम बात करें तो जैसे इसे इलेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है या पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो पुलिस है उसे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस लेवल की आपस की पार्टीबाजी है, तो उनको प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए था। तो कम से कम आज पुलिस पे क्वेश्चन मार्क इस मामले में नहीं लगते। इतना बड़ा जघन्य अपराध आपसी रंजिश में हो, राजीव जी पहले ही बता चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं रहेगी है। तो ये वो जो कमिश्नर साहब कह रहे थे कि उनकी सर्विस में ऐसा नहीं हुआ, मैं भी 37 साल सर्विस करके आया, मेरी भी सर्विस में इतना बड़ा हादसा कभी इस तरह से एक पॉलिटिकल बात को लेके या छोटी मोटी कहा सुनी को लेके इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। ये निंदनीय क्यों ये चीजें हो रही हैं, क्यों ये चीजें बढ़ रही हैं? मैं इस पे आ रहा हूँ। एक तो इनटॉलरेंस जो आपने अपने ओपनिंग में कहा और राजेश जी ने ये
आपको एक तरह से सपोर्ट किया, जो हमारी इंटॉलरेंस बढ़ रही है, एक मतलब हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्राइम में ट्रांसलेट हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी निंदनीय बात है। हमारे जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज के बारे में जो वो करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, उनके लिए भी ये एक मुद्दा है इन्वेस्टिगेशन का। उनको वो ट्रेस करें कि ये क्या, इसमें क्या क्या चीज शामिल है, सिर्फ अकेला पॉलिटिकल हिस्सा ही शामिल है। इस पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा मैं, टोटल इन टोटलिटी बात कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ही वो है या कुछ और चीजें भी इसमें शामिल हैं, जो हमारे समाज शास्त्री है उनके लिए गहन विचार का विचारणीय है उनके लिए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी एक निंदनीय तो है ही है। और पुलिस का जहाँ तक अब तक का रवैया है उससे जैसे लोग खफा हैं, अगर इसमें वो पहले ही जो हम देसी भाषा में बात करें 151 की जो बात करते हैं हम, वो एक प्रिवेंटिव एक्शन है, वो ले लिया होता तो कम से कम पुलिस पे इस बात के वो नहीं उठते। ठीक है मुकेश शर्मा जी, जो पॉलिटिकल इसको एंगल से जोड़ा जा रहा है, लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर रहा होगा और उसी वजह से ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए इसमें पहले तो मैं जो ये घटना घटी है इसकी निंदा करता हूँ और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। जो भी सांसद हैं उन्हें गोद लेने के लिए कुछ गांव दिए गए हैं जहां पर वो विकास कार्य करा रहे हैं, कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें से अनेक गांवों में से पलवली गांव भी एक है। तो चूंकि केंद्रीय मंत्री को यह गांव मिल गया तो इस कारण से भी नाम जोड़ दिया जाता है, किंतु जब तक बात प्रमाणित ना हो जाए तब तक किसी पर आरोप लगाना एक कच्ची बात होगी। तो हो सकता है कि चूंकि मंत्री का गोद लिया हुआ गांव है तो इस लिहाज से ऐसा समझा जा रहा हो कि मंत्री वहां पर कानून व्यवस्था ठीक से नहीं करा पाए। जहां तक पुलिस विभाग की बात है तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पुलिस और ये भी हो सकता है कि काम के ही सिलसिले में वो बिल्लू से अक्सर बात करते हों, मिलते जुलते हों और उन्हीं चीजों को लेकर अब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। देखिए जब तक प्रमाणित ना हो जाए तब तक आरोप लगाना ठीक नहीं, ये तो एक अटकलें हैं, अनुमान है, प्रमाणित अभी कुछ नहीं हुआ है। तो रही बात पुलिस विभाग की, तो जैसा कि महाराज सिंह जी ने कहा कि अगर वो प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था बात का, किंतु किसी की भी सरकार हो उसमें क्राइम रुक जाएगा मुझे संदेह है, वर्षों से मैंने तो कभी देखा नहीं। परफॉर्मेंस ये है कि पुलिस उस क्राइम को कितने समय में सोल्व कर देती है, ये देखने वाली बात है। तो ऐसे मामले में अगर पुलिस न्याय दिलाने में कारगर हो जाती है तो पुलिस विभाग की सराहना की जाएगी, अन्यथा पुलिस विभाग की जो विश्वसनीयता है वो दिन प्रतिदिन लगातार घट रही है। लेकिन जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि बीजेपी क्राइम को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है, जंगल राज फैल रहा है, क्या ये चीजें हैं? क्योंकि हर आप किसी भी सरकार की बात कर लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी वारदातें हो जाती हैं। देखिए किसी की भी राज्य सरकार रही हो, किसी भी दल का के नेतृत्व में सरकार हो, क्राइम होते रहे हैं, अब हो रहे हैं, भविष्य में भी होंगे। प्रश्न यह है कि विभाग पुलिस विभाग के अधिकारी उसे कितने समय में सोल्व कर देते हैं। अगर वो उसको समय से सोल्व कर देते हैं तो राज्य सरकार की वाहवाह उस बात में है, अगर पुलिस विभाग उसे सोल्व नहीं कर पाता है तो उस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसे क्या कारण है कि पुलिस विभाग उसे सोल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है विनोद जी, कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जितने भी नामजद लोग हैं, पहले इनिशियली आ रहे थे शायद 27 लोग हैं, आप कह रहे हैं 42 लोग हैं, पुलिस कह रही है कि उनको हमने ऑलरेडी राउंड अप कर लिया है, जिसका जो जो रोल आ रहा है उसको अरेस्ट करें, रिमांड पे लें, रिमांड पे लेके जो जो उनसे रिकवरी करनी है, क्योंकि धारदार हथियार भी यूज किए गए हैं इसमें, जरूर इलीगल आर्म्स का भी यूज किया गया होगा, तो वो आर्म्स एक्ट में वो भी मुकदमा इसमें आया होगा जरूर, वो रिकवरी करें, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें, क्योंकि जितनी भी देर होगी उतनी ही ज्यादा सबूतों से छेड़छाड़ की भी संभावना इसमें है। तो पूरी प्लानिंग के तहत ये तमाम चीजें हुई होंगी महाराज सिंह जी, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ कर देना ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जो हालात के देखे हैं वो इकट्ठे होके जा रहे हैं, तो ये प्लानिंग तो हुई है इसमें,
और इसमें पुलिस की जो जो मैं चूक कह रहा हूँ कि उन्होंने ये देखा नहीं कि इलेक्शन हुआ और उसके बाद हर गांव, मैं तो ये कहता हूँ हर गांव में उनको ये देखना चाहिए कि किस गांव में किस तरह के हालात इलेक्शन के बाद डेवलप हुए हैं। क्योंकि इलेक्शन के बाद आम तौर से चाहे छोटा इलेक्शन हो या बड़ा हो तो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो रंजिश हम देखते हैं, बहुत से मामले भी सामने आते हैं, सामने आते गोली हैं। चल गई और तो उस तरीके से इनको देखना चाहिए और सीनियर्स का ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जो जूनियर्स हैं उनको कह के और वहाँ से उनकी रिपोर्ट मंगाएं और गांव की पूरी तरह से एक तरह से स्क्रीनिंग की जाए कि भाई किस किस गाँव में क्या कुछ इस जो इलेक्शन हुए थे, क्योंकि फरीदाबाद में तो दोनों इलेक्शन हो चुके हैं, शहर का भी हो चुका है और गाँव के भी हो चुके हैं, तो उन्हें हर जगह चाहिए कि वो इसकी इस तरह से करके और जहां भी है वहां प्रिवेंटिव एक्शन, क्योंकि चुनावी रंजश का ही मामला था ये बता रहे हैं। हाँ। और जिस एक चीज और है जो उनके एसीपी बता रहे थे कि कल कोई छोटी मोटी बात हुई, exactly. हाँ। अब देखिए छोटी मोटी बात ये पुलिस की नजर में छोटी मोटी बात है, जिसमें कत्ल हो रहा है उसे छोटी मोटी पुलिस कैसे कह रही है? पांच लोगों को मार दिया, इतना बड़ा हादसा हो, इनमें से जो पुलिस अफसर वहां लगे हुए हैं किसी की भी सर्विस में इतना बड़ा हादसा, छोटी मोटी बात पे पांच आदमी कहीं नहीं मरे हैं, ये कोई सडन प्रोवोकेशन का मैटर नहीं है, सडन का नहीं है ये छोटी मोटी जो बात कह के इसको डाइल्यूट किया जा रहा है मामले को, क्योंकि अभी वो छोटी मोटी बात भी सामने नहीं आई है कि वो छोटी मोटी बात क्या थी। मैं एक और तरह से बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी बात है तो पुलिस के लिए ये एक और अलार्म है कि हर छोटी बड़ी छोटी मोटी बात पे अगर पांच पांच कत्ल होंगे तो अब पुलिस के लिए ये और भी बड़ा अलार्म है कि छोटी मोटी बात को भी वो कितना छोटा मोटा समझते हैं। इसका मतलब तो उनको तैयार रहना चाहिए अगर हर छोटी मोटी बात में कत्ल होने वाले हैं, जिस बात को वो डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं वो दूसरी तरफ अपने लिए अलार्म भी पैदा कर रहे हैं, अलार्मिंग है पुलिस के लिए कि उन्होंने जो कहा वो कहा सिर्फ डाइल्यूट करने के लिए। हाँ। जो मैं समझता हूँ, ठीक है राजेश जी, आपको लगता है इस पूरी वारदात के बाद अब पुलिस कम से कम ये चीजें समझ पाएंगी कि उसके लिए अब आगे कितनी चुनौतियां हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब कंप्लेंट्स पुलिस के पास जाती हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है छोटा मामला है या बाद में एक्शन ले लेंगे या कल ले लेंगे, डिले बहुत ज्यादा होता है और शायद उसी डिले की वजह से ये तमाम वारदातें हैं ये घट जाती हैं। देखिए पुलिस दिशा निर्देशों पे काम करती है, पुलिस के खुद के तो कोई वो होते नहीं है, पुलिस को जैसा दिशा निर्देश मिलता है राज्य सरकार की तरफ से वो वैसे ही काम करती है। अगर जो सरकार को लगा होता कहीं कि ये बहुत गंभीर घटना है, ये घटना नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये नरसंहार है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इसको आप पांच लोगों की हत्या से मत देखिए, आठ लोग घायल हैं और पता नहीं जिस हिसाब से हमला हुआ है कितनी जाने जा सकती थी, भगवान का शुक्र है कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा जाने नहीं गई। रही बात यह कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था कायम करना होता है, कॉलोनियों में चौकियां खुलती है, थाने खुलते हैं, इसलिए होते हैं कि लोगों को एहसास हो कि हम सुरक्षित हैं, लोगों जो अपने घर में रहे लोग उसको पता हो कि भाई मैं अपने घर में सुरक्षित हूं, तो अगर जो आदमी के ऊपर ऐसे हमले होने लगेंगे और पुलिस उसके बाद ही कार्रवाई करने लगेगी तो कानून व्यवस्था के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और जब लोगों का कानून के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा तो अराजकता आ जाती है समाज में। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये जो छोटी मोटी घटना बताया जा रहा है, छोटी मोटी घटनाओं में इतना बड़ा जनसंहार कभी नहीं होता, इस घटना को दबाया गया होगा बहुत दिनों से, ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिनको दबाया जाता है प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर या कहीं कह लीजिए कि समाज के स्तर पर भी कि झगड़े होते हैं उनको बीच बचाव करा दिया जाता है लेकिन झगड़े को सुलझाया नहीं जाता और वो इस तरीके के नरसंहार में तब्दील हो जाता है। तो यहां पर यह मामला है। और रही बात हरियाणा पुलिस की, पुलिस सक्षम होती है कुछ भी करने के लिए, जब पुलिस को अब देखेंगे पीछे पंचकुला में वही पुलिस थी जो रोक नहीं पाई हिंसा को, बड़े पैमाने पर आगजनी हो गई और आधे घंटे में उस पुलिस ने पंचकुला को खाली भी करा दिया। तो पुलिस को जैसे निर्देश मिलते पुलिस वैसा ही काम करती है, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की विफलता है बिल्कुल कानून व्यवस्था के मसले पर और इस विषय में सरकार को गंभीर विचार करना चाहिए कि अगर जो हरियाणा में इस तरीके की घटनाएं होंगी, क्योंकि हरियाणा अपेक्षाकृत शांत प्रदेश है, यहां पे बहुत ज्यादा अपराध नहीं है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर जो बढ़ रही है तो राज्य सरकार के ऊपर सवाल या निशान जरूर लगता है। बिल्कुल, बहुत से सवाल उठा रहे हैं। और विनोद जी, ये पूरा मामला हमने देखा और जिस तरीके से भी राजेश जी जिक्र कर रहे थे तमाम बातों का,
क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी सी बात थी या जो भी था, कहीं ना कहीं सोसाइटी जो समझौता करवा देती है, जो कहीं ना कहीं ये समझ लेती है कि हाँ ठीक है अब बात करवा देते हैं, सुलझा देते हैं, उससे परेशानी और बढ़ती है, क्योंकि लोग अक्सर बचते हुए नजर आते हैं कि पुलिस में क्यों जाएं, शिकायत क्यों करें, कंप्लेंट क्यों करें, मसला शायद यहीं पर ही निपटा लें तो सही रहेगा। देखिए, जहां तक निपटाने की बात है, वो सामाजिक स्तर पर कई बार कोशिश की जाती है कि इसको यहाँ पे निपटा दिया जाए, बट वो निमटता नहीं है, शायद वो कहीं ना कहीं दब के और ज्यादा बड़ा बन जाता है। वो भूल है, इसमें भी यही रहा कि ये सडन प्रोवोकेशन का मामला नहीं है। मुझे लगता है कोई प्रीवियस एनिमिटी इनकी काफी दिनों से चल रही होगी, क्योंकि पांच लोगों की हत्या को सडनली कोई प्लान नहीं करता काफी दिनों से। वो भी घर जाके आप किसी के घर पे जाके घुस के आप अटैक कर रहे हैं, तो जरूर कोई प्रीवियस इसमें एनिमिटी है। रही बात ये कि समाज का जो समझौते की तरफ जो दिशाएं हैं या कोई आगे नहीं आता, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी कानून की खामियां रही हैं। परंतु जैसे आज के दिन में हम देख रहे हैं, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, विटनेस को अलग से एक सुरक्षा मिली हुई है, पर जिस तरह के लोगों ने ये घटना की है, शायद उनसे वो भी लोग डरे कि जो लोग घर में घुस के पांच लोगों को मार सकते हैं, कि विटनेस का प्रोटेक्शन कहां तक कारगर होगा। तो पुलिस को ये देखना होगा कि इसके बाद ये दुर्घटना दोबारा ना हो और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, प्रॉपर सुरक्षा मिले, जिससे वो आगे बढ़ के आए और इन लोगों को पकड़वाए। मुकेश शर्मा जी, ऐसी चीजों को सोसाइटी को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, गंभीरता से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आपको तुरंत कंप्लेंट करनी होगी, आप ढीले में तमाम चीजों को नहीं ले सकते। आप ठीक कह रही हैं, ये इस समस्या का समाधान तभी होगा जब राज्य सरकार और जनता दोनों की तरफ से एक बेहतर तालमेल के साथ प्रयास किया जाए। मेरा ख्याल है कि यदि इसमें एडिशनल DGP रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें तीन तीन जिले भी अगर हरियाणा के दे दिए जाएं और वो उन तीन जिलों के क्राइम की मॉनिटरिंग करें, कम से कम महीने में एक बैठक तो ज़रूर करें, और जो कुछ क्राइम हुए उस पर रिव्यू करते रहें, तो उससे जो पुलिस कमिश्नरेट में या जिले लेवल पर जहां SP लेवल का अधिकारी इंचार्ज होता है, वहां जो कुछ चल रहा होता है और प्रदेश मुख्यालय तक बात को पहुँचने में कई बार बात ठीक से नहीं पहुँच पाती है, तो एक बेहतर संवाद हो सकता है अगर एडिशनल DGP हमारे अनेक ऐसे हैं कि अगर उनको दो दो तीन तीन जिलों का कार्य ये दे दिया जाए और वो महीने में एक एक बैठक भी इनके साथ कर लें, तो बेहतर एक समन्वय स्थापित हो सकता है। लेकिन महाराज सिंह जी, हर बार हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वालों पर बहुत ज्यादा गंभीर सवाल उठते हैं, क्या आपको लगता है बड़े रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। एक तो मैं आपके ही उसमें लाऊं, अभी तीन चार दिन पहले आप सीकरी गए थे स्कूल के मामले में, वहाँ भी एक मामले में लोगों ने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कराया था, उसमें पुलिस प्रशासन भी इन्वॉल्व था। हाँ, अब देखिए उसमें एक चीज और देखिए आप, कि जो सामाजिक लोग थे जिनको हम पंचायती लोग कह रहे हैं, उनका रुख किसकी तरफ था? जो क्रिमिनल था उसकी तरफ था। जो जिनका नुकसान हुआ वो इससे भी दबे के पुलिस भी तुम्हारे खिलाफ है, दबंग भी तुम्हारे खिलाफ है और पंचायत भी तुम्हारे खिलाफ है। उन्होंने एक तरह से दब के फैसला किया और उस दबंग आदमी का हौसला इतना बढ़ा कि वो कत्ल में कन्वर्ट कर दिया उसने। इसी तरह से जो ये पलवली का मामला है, इसमें भी कहीं ना कहीं, अब देखिए जैसे जोड़ा जा रहा है पॉलिटिकली, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन आम आदमी जब ये समझता है कि पॉलिटिकली साउंड है आदमी, दबंग है, उसकी दबंग ही तो अब देख ही ली हमने, पांच आदमी कत्ल हुए घर में घुस के करे। और जो पुलिस का रवैया वो भी ये था कि उसे डाइल्यूट कर रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना थी, छोटी मोटी बात हुई थी कोई। अब देखिए छोटी मोटी बात पे पांच आदमी मरे, और बड़ी बात होती तो पूरा गांव मरता। पुलिस की अगर भाषा में बात करें हम, छोटी मोटी पे पांच कत्ल हो रहे हैं और बड़ी होती तो क्या होता, जो राजीव जी कह रहे थे। तो ये जो है पुलिस को सोचना पड़ेगा कि जब कोई भी बात आती है तो प्रिवेंशन तो कम से कम की जाए, और अगर उस पर कोई एक्शन बनता है, कॉग्निजेंस ली जा सकती है, तो वो भी पुलिस को लेनी चाहिए। ठीक है, SP क्राइम आप रुकना चाहूंगे, राजेश चेची इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर। राजेश जी आवाज मिल रही है मेरी जी? राजेश जी, क्या पता लग पाया है कि आखिर क्या हुआ था, क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया? मैं जो रिसेंट ये घटना जिसमें ये सारा
आज जो मामला कल जो इग्नाइट किया है इसके पीछे तो एक कल की जो इमीडिएट जो बात जो है वो तो वही है कि कोई टशन गाड़ी चलाते टाइम जो हुई थी, पर बैकग्राउंड में अगर देखें तो जैसा कि बातें सामने आ रही है चुनाव के दौरान ये दो गांव की एक पंचायत है, तो उस टाइम चुनाव के दौरान से ही थोड़ा बहुत मन में मिटाव चला हुआ था। बाकी इन्वेस्टिगेशन थोरोली अब होगी, अब आज अभी पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो भी। नहीं तो वहाँ के लोग क्या बता रहे हैं? लोगों से तो अब कल वाली घटना का तो मिक्स यही बता रहे हैं कि भाई कल जैसे इनकी पहले कहीं गाड़ी रोड के ऊपर ओल्ड के एरिया में कहीं जैसे कार सुनी भी नहीं हुई, पर जैसे तेज चलाना या धीरे चलाना कुछ ऐसी बात तो हुई, उसके वो उलाने वाला विवाद शाम को शुरू हुआ और वो इस घातक परिणाम में बदल गया बाद में। तो इतनी सी बात और इसको लेकर कोई कंप्लेंट भी आप लोगों के पास नहीं आई? कोई कंप्लेंट नहीं आई क्योंकि झगड़ा कोई हुआ नहीं था ना जी। नहीं तो झगड़ा कोई हुआ नहीं था तो फिर मर्डर कैसे कर दिया गया? पूरी प्लानिंग के साथ तमाम हथियारों के साथ ये लोग पहुंचते हैं, घर में घुस के मार देते हैं। आपको लगता है कि और कनेक्शन इसमें जरूर है क्योंकि इतनी सी बात को लेकर ये तो तमाम चीजें नहीं हो सकती? नहीं बात सही है जी, पर नेक्स्ट डोर नेबर हैं दोनों और गाँव में रहते हैं, शहर से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर हटके है, मतलब विद इन 5 मिनट तो सारा खेल हो गया जी। मतलब जैसे विवाद शुरू हुआ और उसी के बाद एकदम से ये सारी जो गोली चलना हो सब कुछ 5-7 मिनट में तो खत्म हो गया सारा। नहीं तो आप लोगों को कब इस मामले के बारे में जानकारी मिली? हमारे को तो जब इंजर्ड वहाँ से लेके हॉस्पिटल चल पड़े तब किसी ने फोन किया है पुलिस को और फिर पुलिस मौके पे पहुंची है, सब पता चला। एक बल्कि लेडी इंजर्ड जो थी उनको तो मैं पहुंच के मैं लेके आया हूँ हॉस्पिटल। अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया आप लोगों ने? अब तो वहाँ तो पुलिस पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है, कुल 42 लोग बताए जा रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व है। 42 नहीं है जी, 27 आदमियों के नाम लिखवाए हैं उन्होंने FIR में। नामजद FIR तो आपने 27 लोगों के खिलाफ दर्ज की है, 10-15 अन्य के नाम लिखवाए हैं और अन्य में से भी 2-3 नाम डिस्क्लोज हो चुके हैं अब तक और नए, उसमें से लगभग 22-23 लोग कुल मिलाकर 42 ही हो जाएंगे ना जो आंकड़ा आप बता रहे हैं। आगे पूछताछ होगी, अब उसी पुलिस रिमांड होगा, पूछताछ होगी तो जो जो सच्चाई आएंगी, जो 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 गिल्टी होंगे, जो जो इन्वॉल्व होंगे सब करेगी पुलिस। लेकिन ये कितनी बड़ी चिंता है अगर इस तरीके से ये इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है, इसको हत्या भी नहीं कह रहा, इसको तो नरसंहार कहना पड़ेगा अगर ये होगा तो, क्या पुलिस के लिए अब और चिंता का विषय नहीं है क्योंकि आप लोग अब फ्लॉप साबित हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर? निश्चित रूप से हमारे लिए, सभी के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए चिंता का विषय है कि छोटी सी बात, चाहे चलो राजनीतिक इसमें चाहे सरपंच के इलेक्शन का कुछ समझा जाए या कल का जो छोटा सा विवाद है वो समझा जाए, परंतु कुछ भी हो 5 आदमियों की जान लेना एक छोटी सी बात के ऊपर एक कितना एक बहुत बड़ा एक मतलब घातक एक रिजल्ट हो गया ये। तो सबको थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल, जिस तरह से हम खोते जा रहे हैं गुस्से में, कुछ भी हो रहा है देश में, थोड़ा सा सब लोग अगर रहे शांत स्वभाव में तो सब चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है, मेरा मानना है। होने के बाद तो पुलिस कार्रवाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर 5 जान चली गई जो बिल्कुल मतलब इररिपेरेबल है वो चीज। नहीं तो अब आप लोग इससे सबक लेकर, इससे सीख लेकर अब आगे क्या कोई स्ट्रेटजीज आपकी ऐसी हैं? आप क्योंकि हम देख रहे हैं अक्सर चुनावों के बाद चुनावी रंजिश के बहुत से मामले सामने आते हैं, क्या कोई आपकी तरफ से ऐसा कुछ अभियान होता है कि आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या हालात वहाँ पे तनावपूर्ण बन सकते हैं, क्या परिस्थितियाँ? कानून में भी प्रोविजन है, CRPC में भी प्रोविजन है प्रिवेंटिव एक्शन लेने का, परंतु जिन घटनाओं में पहले कुछ आवास हो जाता है या शिकायतें आ जाती हैं तो उसमें प्रिवेंटिव एक्शन अक्सर पुलिस लेती है, बहुत लेती है, परंतु जहां जैसे विद इन 5 मिनट सब कुछ हो गया तो इतना मौका ही नहीं मिल पाता जी कि होगा क्या कर पाएंगे उसमें। आप ये कह रहे हैं कि विद इन 5 मिनट हुआ है, विद इन 5 मिनट जो हमलावर थे उनके पास बंदूकें कहां से आ गई, लाठी डंडे और खतरनाक हथियार कैसे इकट्ठे कर लिए, विद इन 5 मिनट में तो ये हो गया, झगड़ा हो गया, लात गुस्से चल गए, तो इतने घातक हथियार लोगों ने इकट्ठे कर लिए तो 5 मिनट में कैसे संभव है? घर तो वहीं पे है जी, उनका लाइसेंस ही हथियार है और वही घर है, लाइसेंस ही हथियार यूज हुए हैं उसमें जी। चलिए शुक्रिया ACP साहब बात करने के लिए हमसे। महाराज सिंह जी, राजेश जी की बातें सुनकर आपको क्या क्या समझ पा रहे हैं? देखिए जहां तक प्रिवेंटिव एक्शन की बात है, पुराने टाइम में जब इलेक्शन हो जाते थे तो हर गांव को रिव्यू किया जाता था कि यहाँ किस तरह की पार्टीबाजी है, जो आज मिसिंग है। इन्होंने उसे कर दिया कि अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है।
जबकि असल बात यह है कि इलेक्शन के बाद पुलिस को रिव्यू करना चाहिए कि किस गांव में पार्टीबाजी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। आपने एक चीज़ और देखा होगा, अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखो कि गांव में जो बूथ बनाए जाते हैं वो अति संवेदनशील वो किस बात से बनाए जाते हैं कि गांव के हालात को देख के ही तो संवेदनशील अति संवेदनशील या नॉर्मल रहते हैं। तो यही है प्रिवेंटिव एक्शन भी यही है कि इलेक्शन के बाद पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको रिव्यू करे हर गांव की मामले को और उसमें प्रिवेंटिव एक्शन ले। अब देखिए ये छोटी सी बात है, ये कल की छोटी बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो भरा हुआ था मामला वो कब का भरा हुआ था। बिल्कुल, और अगर वो पता चल जाता तो ये इसकी तमाम चीजें नहीं होती। ये कह रहे हैं कि उसमें ओल्ड फरीदाबाद में ये घटना थी कि गाड़ी तेज चलाई जाए कम चलाई जाए, हाँ। और उसका फिर तेज कम के बारे में गांव में जाके उल्हाने दिए जा रहे हैं कि भाई तुमने ज्यादा चलाई, तुमने कम चलाई, तुमने रास्ता रोका, जब उल्हाने दिए जा रहे हैं उस पर हो रहा। अभी आप देखिए, अगर ये छोटी मोटी घटना थी तो हम रोज गाड़ियों में चलते हैं, अगर रोड रेजिंग नहीं है तो रोजाना हमारे सामने गाड़ियां चलती हैं, रुकती हैं, खड़ी होती हैं, उसको क्रॉस करते चले जाते हैं। अब इसमें इस मामले को लेके कहा सुनी हुई और उसके पीछे क्या गुबार था जो निकाला गया, ठीक है, उसको पुलिस की तरफ से वो मिसिंग है अभी। बिल्कुल, और उसी को तलाश रही है पुलिस, मुकेश ने तलाशना चाहिए, हाँ। जो कि अभी जो एसीपी साहब की बात में सुन रहा था उससे ये लगता है कि उसको या तो हमसे छुपाया जा रहा है या उसे जानबूझ के डाइल्यूट किया जा रहा है। ठीक है मुकेश जी, जल्दी फाइनल कमेंट्स। देखिए जैसा कि एसीपी ने बताया कि मामले की जानकारी 5 मिनट में सब कुछ हो गया, तो अभी चूंकि मामले की तहकीकात चल रही है तो इस तरह अभी थोड़ा समय दीजिए विभाग को भी, और कुछ समय के बाद स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विनोद जी, मेरे हिसाब से पुलिस कार्रवाई ठीक कर रही है, बट जैसे महाराज जी ने कहा कि अभी शायद कुछ छुपाया जा रहा है, तो कई बार इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से भी छुपाया जाता है कि सारी चीजें मीडिया के सामने पब्लिक को ना बताया जाए। तो पुलिस की कार्रवाई अभी तक मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी प्रिवेंटिव एक्शन की इन चीजों में काफी जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो हरियाणा में पुलिस सुधार जो की जो सिफारिशें थी उनको लागू किया जाना चाहिए। हरियाणा में पुलिस की बहुत कमी है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए। और जैसा एसपी साहब ने बताया कि चुनाव की रंजिश के बाद पहले हम भी देखते थे कि पुलिस के लोग गांव में जाते थे और वो पता लगाते थे कि भाई रंजिश मतलब कितनी है, ये सब किस किस के बीच में है, और ये जो मामला है अगर जो चुनावी रंजिश थी, चुनावी रंजिश के बावजूद इन लोगों के लाइसेंस ही हथियार कैंसिल क्यों नहीं किए पुलिस प्रशासन ने, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंसाफ मिले पीड़ित परिवार को, ये सबसे बड़ी कोशिश है, हालांकि पुलिस इसमें जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि इतना संवेदनशील मामला जब था, जब पहले से मालूम था कि परेशानी है और यहाँ पर कुछ अनहोनी हो सकती है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए क्यों नहीं गए। और ये सीख है आगे के लिए भी कि ऐसी जगह पर, ऐसे गांव में, और अगर जहाँ पर चुनावी रंजिश के मामले हो वहाँ पर गंभीरता से इन तमाम चीज़ों को लेना पड़ेगा, वरना ऐसी वारदातें आगे भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल इनकलाब में इतना ही, नमस्कार।